नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक गाइड। आज के इस वीडियो में हम एक न्यू सिम कार्ड से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एक न्यू सिम कार्ड कैसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, उसका मैं कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एक न्यू सिम कार्ड ऑनलाइन बाय करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.10digi.com तो भी आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक मैसेज दिखाई देता है जो कि लिखा हुआ है सिम डिलीवरी इन 2 आवर्स एट सेलेक्टेड लोकेशन। इसका मतलब ये है कि ये कुछ सिलेक्टेड लोकेशन में 2 घंटे के अंदर सिम की डिलीवरी दे देते हैं, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ नीचे मिल जाती है, जिसमें यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, उसके बाद में आप देख पाएंगे कि नीचे आपके जितने भी यहाँ पर सिटी दी गई हैं, इसमें अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 2 घंटे के अंदर जो है आपका सिम कार्ड का डिलीवरी दे दिया जाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर लखनऊ सेलेक्ट करते हैं कि हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में आप देखेंगे कि पेज थोड़ा सा लोड हो रहा है। पेज लोड हो जाने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय प्रीपेड का, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा जिसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऑपरेटर का, कि आप ऑपरेटर यहाँ पर चूज करिए कि आप किस कंपनी का आप सिम लेना चाहते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल कंपनी का। तो आप इन 4 कंपनियों में से एक किसी कंपनी का सिम ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जियो सेलेक्ट करते हैं, जियो कंपनी का हमें सिम लेना है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर प्लान्स दिखा दिए जाएंगे कि आपके सिम के साथ में 1 महीने के लिए कौन कौन से प्लान आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर 239 रुपये का, 259 रुपये का, 299, 578 रुपये का, इसी तरीके से आपके सामने पूरा प्लान दिखा दिया जाएगा। जो भी आप प्लान लेना चाहते हैं सिम के साथ में, उसमें आप ये प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके प्लान के साथ में क्या क्या चीज आपको मिल रहा है। तो उसके बाद में हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें सबसे छोटा प्लान लेना है 239 रुपये का, तो बाय नाउ पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर ऑर्डर समरी दिखा दी जाएगी, जिसमें आपका 239 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा और आपको यहाँ पर जियो प्राइम का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, उसका 99 रुपीज अलग से चार्ज किया जाएगा। टोटल आपके 338 रुपये हो जाएंगे। उसके बाद में आपको नीचे चेकआउट का ऑप्शन दिया है, इस पर आप क्लिक करना होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जिसपे एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर डालना होगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद में आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा जिसको आप यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद में ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर फुल नेम डालना होगा, ईमेल एड्रेस डालना होगा, उसके बाद में आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर दिखा दिया जाएगा। देन उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिलीवरी का पिन कोड डालना होगा, अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर हाउस नंबर, बिल्डिंग डालेंगे, उसके बाद में एरिया, लोकालिटी, लैंडमार्क, उसके बाद में सिटी, स्टेट, ये सब डालने के बाद में आप कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना होगा कि किस टाइम पर आपको डिलीवरी दी जाए। तो यहाँ पर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम के बीच में आपको डिलीवरी चाहिए। तो यहाँ पर जैसा कि हम 15 सितंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में हमें 12 से 2 के बीच में हमें डिलीवरी चाहिए सिम कार्ड की, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, उसके बाद में कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं। जैसे ही आपको सिम हैंड ओवर किया जाएगा तो आप यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी उसको पेमेंट दे पाएंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में प्लेस ऑर्डर का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर सक्सेसफुली
सबमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद में आपके कुछ ही देर में आपके मोबाइल नंबर पर एक फोन कॉल आएगा जिसमें आपसे कंफर्मेशन ली जाएगी कि आपको सिम कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप हाँ बोलेंगे तो आपके दिए गए एड्रेस पर आपके कंपनी का एक एजेंट आएगा जो आपको एक सिम कार्ड जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और आपका जो है केवाईसी कंप्लीट करके एक आपको सिम कार्ड दे देगा। उसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है कि आप कैसे एक न्यू सिम कार्ड कंपनी से जो है ऑनलाइन परचेज कर पाएंगे, उसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।